subscribe and don't forget to click the bell icon. किसी काम के मजबूत नतायज तभी बरामद होते हैं जब इस काम को मजबूत अंदाज में करते हैं। ब्लॉगिंग के भी बेतहाशा मजबूत नतायज और हकीकी फवायद हैं। लफ्ज ब्लॉग वेबलॉग से बना है। इस वक्त पूरी दुनिया में ब्लॉग का काफी रुझान पाया जाता है। ब्लॉग एक जाती डायरी की तरह होता है। जाती डायरी और ब्लॉग में ज्यादा कोई फर्क नहीं, बस फर्क ये है कि जाती डायरी आप तक या चंद लोगों तक महदूद होती है, जबकि ब्लॉग पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब के मानिंद होता है। ब्लॉग वेबसाइट की ही एक किस्म का नाम है, जहां आप अपनी सोच शौक के मुताबिक अपने ख्यालात, तजुर्बात और मालूमात वगैरह लिखते हैं और कारीन से तबादला ख्याल करते हैं। आपको अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी है तो इसके लिए ब्लॉग से बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं, जिसमें आप शायरी, अच्छी बातें, तस्वीर और वीडियोस शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग की कई अकसाम होती हैं, मसलन डॉक्टर मेडिकल के मुतालिक मालूमात के लिए ब्लॉग लिखते हैं, इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी पर लिखते हैं, हालात के सताए हालात पर, अदीब अदब पर, शायर शायरी पर, फोटोग्राफर तस्वीर शेयर करता है तो दूसरे जाने वीडियोस की शैदाई वीडियोस शेयर करते हैं। कई लोग एक से ज़्यादा मौजूदात पर लिखना और शेयर करना भी पसंद करते हैं। ब्लॉगिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि ब्लॉग ब्लॉगर को लिखने पर मजबूर करता है। कम अज़ कम पिछली एक सदी में दुनिया में सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ कलम के ज़ोर पर हुई। साइंस के इस दौर में जहाँ दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, वहाँ कलम का सबसे आसान और मौसर इस्तेमाल ब्लॉगिंग ही है। हत्ता कि ब्लॉगिंग के जहाँ बड़े बड़े लिखारियों को आसानियाँ देती है, वहीं पर एक आम बंदे को अपने जौहर दिखाने और लिखने के हुनर को मजीद बेहतर करने का मौका भी फराहम करती है। खुलासा ये है कि ब्लॉगिंग एक तरफ ब्लॉगर की ज़िंदगी पर मस्बत असरार डालती है और मालूमात में बहुत सा इजाफा करती है। इस तरफ लोगों की दिलचस्पी का रुझान पूरी दुनिया में बैनुल अक्वामी तौर पर भी बढ़ रहा है।